हाय नमस्कार। काम बहुत हो गया आजकल, इसलिए मैं शायद उतना अपडेट डिटेल में आपको नहीं दे पा रहा। बट क्विकली आज हम बात करें तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु तीनों की काउंसलिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। मध्य प्रदेश का आज ही हुआ है, राजस्थान का हुए एक दिन हो चुका है और तमिलनाडु का भी हुए 2 दिन हो गए हैं। तो पहले मैं ये बता दूँ, तमिलनाडु एक प्योर ओपन स्टेट है जितना मुझे याद है, तो क्विकली बताऊँगा इस वीडियो में ताकि आपको पता हो। तीनों ऑन हो गया है, तीनों का जो ऑफिशियल लिंक है वो लाइव है। TN वाली अब TN मेडिकल सिलेक्शन .net है, राजस्थान का राजस्थान नीट UG 2021 है और मध्य प्रदेश का DME.MP Online। तो आप आराम से गूगल पे ढूंढ सकते हैं, तीनों प्रोसेस स्टार्ट हैं। जो मेरा हमेशा रहता है कि आपको काम की बात बताना, वो काम की बात ये है कि तमिलनाडु एक प्योर ओपन स्टेट है। दैट मीन्स कि जो भी लिमिटेड सीटें हैं बाहर वालों के लिए, वहाँ रिजर्वेशन वैसे बहुत है तो उसमें कुछ ये नहीं है। राउंड 1 राउंड 2 के बाद होगा। 12.5 लाख रुपये फ्लैट फीस है पर ईयर सारे प्राइवेट कॉलेजेस की, और काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं तमिलनाडु में। लेकिन बाबा मैं ध्यान करता हूँ, तमिलनाडु के DMD के लिए आपको ये फॉर्म नहीं भरना है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो CMC वेल्लूर के चाहने वाले हैं उनको ये फॉर्म भरना है। अब तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं 580 से ऊपर की रेंज वाले जिन्होंने पहले CMC वेल्लूर का फॉर्म भरा हुआ है, उनको एक TN वाला फॉर्म भरना है जो हम हमेशा कहते थे। और अगर किसी को नया भी TN का फॉर्म भरना है तो आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा MGA यूनिवर्सिटी से, वो उसको भी आपको नेट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तमिलनाडु में जैसा मैंने कहा 12.5 लाख रुपये फीस है। साउथ इंडियंस के लिए ड्रीम है तमिलनाडु में पढ़ना है, तमिलनाडु के खुद के लोगों के लिए तो होता ही है। नॉर्थ इंडिया से बहुत लोग तमिलनाडु में नहीं जाते हैं क्योंकि फीस कोई बहुत कम तो है नहीं, 12.5 लाख रुपये ईयरली तो लग ही रही है, हॉस्टल वगैरह सेपरेट है। राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों में कॉमन बात है, दोनों ये क्लेम करते हैं एज पर दी ब्रोशर राउंड 2 में ओपन हो जाते हैं। लेकिन दोनों में ना एक बात समझिए, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठे बोल रहा हूँ। अगर कोई राजस्थान डोमिसाइल का बच्चा है उसके 200 नंबर हैं और हरियाणा डोमिसाइल वाले के 500 नंबर है तो भी पहले सीट मिलेगी 200 नंबर वाले को, आप ये याद रखिएगा। तो जब राउंड 2 में ओपन होता है वो हमेशा कहते हैं आफ्टर द एग्जॉशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मतलब कि कोई राजस्थान में सीट लेने वाला है ही नहीं तो आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आप ये मान के चलिए, सिमिलरली मध्य प्रदेश तो आपको सीट तभी मिलेगी जब सारा जैसे बोलते हैं वो खाली हो गए। आप कभी ये मत सोचिएगा कि भाई राउंड 2 आते ही हमारे 550 नंबर है तो हमें टॉप क्लास कॉलेज राजस्थान का मिल जाएगा जयपुर वाला, या हमें इंदौर का भोपाल का मिल जाएगा मध्य प्रदेश में, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी अच्छे कॉलेज हैं जो रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं वो वहाँ के डोमिसाइल के बच्चे ले लेते हैं। आपके लिए खासकर मध्य प्रदेश में कुछ बचता ही नहीं है। आप देखोगे मध्य प्रदेश के सारे प्राइवेट कॉलेज कट ऑफ बहुत ऊपर होती है, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा मध्य प्रदेश में एक मेधावी छात्र योजना चलती है जिसके अंतर्गत काफ़ी जो फीस है वो गवर्नमेंट पे कर देती है स्टूडेंट्स की, इसलिए मध्य प्रदेश की प्राइवेट कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है। राजस्थान की बात करें तो एक कॉलेज को छोड़ के बाकी सभी की फीस 15 और फिर 18 लाख रुपये पर ईयर है। तो जब इतनी महंगी फीस है तो फिर वैसे ही आपके पास हिंदुस्तान में बहुत ऑप्शंस हैं। तो सिमिलरली राजस्थान एक ड्रीम ऑप्शन बन जाता है 160 नंबर वालों के लिए। जी हाँ, अगर आपके 160 170 नंबर हैं, देखिए हिमाचल में नहीं मिलेगा कुछ भी, यूपी में कुछ नहीं मिलेगा, हरियाणा में कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आपको राजस्थान की महंगी सीट मिल जाती है, लेकिन महंगी। अब ये भी बहुत होता है क्योंकि आपको पता है राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती है जो 7.5 लाख रुपये फीस वाली, और उसको लेके काफ़ी फ्रॉड कंसल्टेंट्स आपको कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको वो दिला देंगे। सच्चाई है कि वो भी सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के बच्चों के लिए है, और फ्रॉड में मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता आपको। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि मैंने जो बोला वो 18 लाख की सीट खाली रह जाती है लास्ट में, तो बिल्कुल लास्ट लास्ट राउंड में आके, लास्ट ईयर मैंने भी करा है, कॉलेज की हालत टाइट हो जाती है, फीसें ज़्यादा हैं राजस्थान के, खासकर उदयपुर साइड के कॉलेज है, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है मार्केट में, तो स्ट्रे मॉपअप में बिल्कुल ऐसा होता है कि बल्कि वो आपको डिस्काउंट पे दे देते हैं। जी हाँ, तो शायद राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें आपको डिस्काउंट पे सीट मिल सकती है अगर आप लास्ट राउंड तक वेट करने को तैयार हो और आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो उन लोगों के लिए जिनके 170 180 200 नंबर हैं, बजट लेकिन करोड़ का नहीं है, दूसरे ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 1 करोड़ रुपये वाले जो ऑप्शन थे, चाहे वो पुदुचेरी वाले थे या संतोष गाजियाबाद, अवेलेबल है 24 लाख फीस वाला। लेकिन आप 1 करोड़ के अंदर अगर 70-75 में काम कराना चाहते हैं तो कमिटमेंट नहीं है, आप लोग लास्ट लास्ट डेट तक राजस्थान की वेट कर सकते हैं, और फिर आपका कंसल्टेंट हम भी करते हैं गाइड कि
कि 2 दिन का समय मिलता है कि भाई फलाना कॉलेज में 4 सीटें खाली हैं, जाके ले लो, तो वो कमिटमेंट नहीं होती है, मिल भी सकती है नहीं भी मिलती है। तो कम नंबर वालों के लिए आपके 300-350 नंबर है, आप हरियाणा में, यूपी में, बाकी और कई जगह ले लेंगे, तो राजस्थान एक तरह से लॉटरी हो जाती है उनके लिए जिनके नंबर कम हैं, लेकिन हम करोड़ों पे खर्च भी नहीं करना चाहते, लेकिन रिस्क लेने को तैयार है कि ठीक है भाई इस बजट में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉप करा लेंगे। तो अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो आप राजस्थान का फॉर्म ज़रूर भरिए, तो आपको मौका लग जाता है। तो कभी कभार मैंने जैसा कहा डिस्काउंट में सीट लास्ट में मिल जाती है, तो फिर कॉलेज वॉलेज कुछ कन्फर्म नहीं है, जिसकी भी सीट खाली होगी वो आपको मिल जाएगी, पर फिक्स चाहिए तो फिर तो आपके पास बहुत सारी बातें आप कर ही चुके हैं। इसके अलावा नथिंग स्पेशल, जैसा मैंने कहा कि बिजी चल रहा हूँ मैं, तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा कि किसमें क्या चाहिए किसमें क्या नहीं चाहिए, तो एक बार मैं कर लूँ तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि हर एक के लिए क्या स्पेशल चीज़ें चाहिए। और हाँ, कर्नाटका का भी जो फॉर्म है बिकॉज ऑफ द सर्वर इशू जो लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, वो अब 27 तारीख तक यानी कि मंडे तक एक्सटेंड कर दिया गया है। आई होप कि वो अपने सर्वर ठीक कर ले, क्योंकि पिछले 3 दिन में भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये है चारों स्टेट्स की अपडेट। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन भी 27 तक ओपन है, राजस्थान का भी 27 तक ओपन है, तमिलनाडु का 7 तारीख तक है, मध्य प्रदेश की एंड डेट नहीं है। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि आप कोशिश करिए कि जो आने वाला ये संडे मंडे है, जिसको भी अप्लाई करना है, आप इन चारों स्टेट्स को निपटा लें, इन चारों स्टेट्स की एप्लीकेशन कर लें। धन्यवाद।